असली गृह मंत्री अमित शाह का दो दिन का पश्चिम बंगाल दौरा शुरू हो रहा है और देर रात वो कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे। आधी रात होने के बाद भी बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक शाह के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को अभिवादन स्वीकार किया। आज बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह मिदनापुर में रैली करेंगे और मिदनापुर में टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। आज अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी भी मंच पर मौजूद होंगे। वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा बड़ी तादाद में टीएमसी के विधायक और नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर मिदनापुर में जबरदस्त तैयारी की गई है। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आधी रात जब बंगाल सो रहा था तब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे और इसी के साथ शुरू हो गया गृह मंत्री का दो दिन का तूफानी पश्चिम बंगाल दौरा। आधी रात को ही एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। अमित शाह का बंगाल में जोरदार स्वागत किया गया। वंदे मातरम के नारे लगे, जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। पहुंचते ही शाह ने ट्वीट करके कहा, कोलकाता पहुंच गया, मैं गुरुदेव टैगोर, ईश्वर चंद विद्यासागर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे पूजनीय लोगों की इस महान भूमि को प्रणाम करता हूं। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए अमित शाह बिहार चुनाव के बाद दूसरी बार राज्य में। इससे पहले जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा किया और अब अमित शाह दीदी के राज्य में। अमित शाह ने कोलकाता पहुंचते ही ट्रेलर दिखा दिया। अब आज दिन में जब वो मिदनापुर में गरजेंगे तो आवाज ममता के महल तक पहुंचेगी। और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से।